तो जैसे कि हमने आप सभी को पहले ही बताया था कि मार्च 30 वो डेट होने वाली है जहां पर हमारी मून नाइट की सीरीज टेक प्लेस करने वाली है। तो इस ट्रेलर के साथ, यानी कि इस टीजर ट्रेलर के साथ हमको ये चीज कंफर्म कर दी गई है कि आखिर में ये मून नाइट की सीरीज 30 मार्च को ही रिलीज होगी। और ठीक उसी तरह ही सबसे पहले हम आपके लिए हमारे मून नाइट की टीजर ट्रेलर का ब्रेकडाउन लेके आ रहे हैं, जिनको आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगर आपको ऐसे ही हर न्यूज़ और हर अपडेट के बारे में सबसे जल्दी खबर चाहिए तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस बेल आइकन को भी जरूर से हिट कर लीजिएगा। एज सच तो पिछले कुछ टीजर से हमें इस ट्रेलर में ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला है, लेकिन जितना भी हमें देखने को मिला है वो सब के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो और ज्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए चलिए चल लेते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो जैसे कि हम सभी को पहले से ही अज्यूम कर रहे थे कि इस टीजर में या फिर इस सीरीज में पूरा फर्स्ट से एंड तक हमारा हीरो उसके डुअल पर्सनैलिटी से फाइट करता हुआ दिखाई देगा। कुछ उसी तरह ही इस टीजर में भी दिखाया जा रहा है, जो कि क्लियरली ये रिजेंबल कर रहा है कि ये वाला ट्रेलर या फिर ये वाली सीरीज हमें पूरा मैस्ट अप दिखाई देगी, जहां पर बहुत सारा केओस मचने वाला है। तो इसी के साथ ही हमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि हमारा हीरो मून नाइट वाली पर्सोना को अपने सपनों में ही हो रहा है ऐसा सोच रहा है, लेकिन हम सभी को ये बात पता है कि ये हकीकत में ही हो रही है, जहां पर ये उसकी एक और पर्सनैलिटी का ही है। और इसीलिए हमारा हीरो ऐसा सोचता है कि ये सभी चीजें जो कि एबनॉर्मल है, इसके लाइफ में जो भी चल रही है वो सब एक स्लीप डिसऑर्डर के कारण ही हो सकती है, जहाँ पर आप सभी को बेटर पता ही होगा भी स्लीप डिसऑर्डर से सफर करते हैं उन सब के ऐसे कुछ इफेक्ट्स होते हैं जहाँ पर वो अपने रियल लाइफ के कैरेक्टर में जो भी चीजें नहीं कर पाते वो स्लीप डिसऑर्डर के कारण ही वो सभी चीजें कर देते हैं। तो ऐसे में हमारा हीरो भी सोचता है वो भी एक स्लीप डिसऑर्डर के कारण ये सब कर रहा होगा। तो इसीलिए और एक आपको एक थ्योरी बता दूं, तो स्लीप डिसऑर्डर में जब आप होते हो वो लॉक बुक वाली चीज सब आप अनलॉक नहीं कर पाते हो। तो इसी चीज के लिए ही हमारा हीरो भी ट्रेलर के फर्स्ट में ही दिखाया जा रहा है कि डोर वोर को ऐसे लॉक करता हुआ दिखाया जा रहा है और अपने पैरों को भी ऐसे बांधता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर अपने स्लीप डिसऑर्डर का चीज ही उस पर स्ट्राइक करेगी तो जब उसके नींद में वो चलने की आदत होगी तब पर अपने नींद में होने के कारण ही इन सब को वो डॉज नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में हमारे वो पैरों वेरों को बांधता हुआ इसी चीज को सिग्निफाई कर रहा है। तो अगर हम उसके रूबिक्स क्यूब वाली सीन पर आए, जहां पर हमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि रूबिक्स क्यूब को वो ऐसे मॉर्निंग टाइम में ही खेल रहा है, तो वो चीज इस चीज को सिग्निफाई कर रही है जहां पर वो अपने नींद को भुलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऐसा हो रहा होगा क्योंकि जब वो अपने मून नाइट वाली पर्सोना में आ रहा होगा तो ये वाली चीज जो भी उसने लॉक बॉक की होगी वो सभी चीजें उसे नहीं रोक पाती होगी। इसीलिए हमारा हीरो ऐसा सोचता होगा कि इन सब से बचने का सबसे बेहतर तरीका यही होगा कि मैं रात को नाश हूँ। तो इसी से ही मतलब उसके नाश होने के कारण ही उसके डेली लाइफ के स्ट्रगल को भी हम देख सकते हैं, जहां वो चलते फिरते ही कहीं पर भी सो जाता है और नींद ना कंप्लीट होने की वजह से उसके अंदर के फ्रस्ट्रेशन और रेस्ट ना मिलने की वजह से उसके दिमाग में जो प्रेशर बढ़ रहा है उस सब चीजों को भी छोटे छोटे टुकड़ों में हम इस ट्रेलर में देख सकते हैं। तो अगले सीन पर आए तो एक एंशिएंट इजिप्ट लिखा हुआ एक बड़े से बिल्डिंग में हम देख सकते हैं। तो ये एक स्पेशल इवेंट की तरह हो सकती है, क्योंकि अगर ये परमानेंट म्यूजियम होता तो इसके बिलबोर्ड पर हमें ऐसे 11 अप्रैल to 28 अप्रैल लिखा हुआ नहीं दिखाया जाता। तो ऐसे में हो सकता है ये इवेंट कुछ ही दिनों के लिए यहाँ पर आया है और शायद इसी चीज पर ही हमारा मार्क स्पेक्टर बार बार आता रहता है। यहाँ पर ही हमें एक डोना नाम की एक वॉल्यूंटियर दिखाई जाती है, जो कि हमारे मून नाइट से बात करती हुई दिखाई जा रही है। उसका एज सच जैसे कॉमिक बुक में कुछ ऐसे अपीयरेंस नहीं है, मतलब कोई भी ऐसे डोना नाम का कैरेक्टर हमारे मून नाइट से जुड़ा हुआ नहीं है, जहां पर हमें आगे भी पता चलेगा कि इस वाले ट्रेलर में या फिर इस वाली सीरीज में बहुत से ऐसे कैरेक्टर है जिसको नए में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और जिनका कोई भी वजूद हमारे कॉमिक बुक्स में नहीं है। उसके अगले सीन में हम देख सकते हैं कि वो कुछ ऐसे एक बेसमेंट में खड़ा है, जहां पर पहली बार शायद ये चीज होगी कि वो अपने इनर सेल्फ यानी कि हमारे मून नाइट वाले कैरेक्टर को डिस्कवर करेगी वाली पार्ट होती है, जहां पर हमारे ट्रेलर में हमारा फर्स्ट लुक हमारे मून नाइट का मिलता है और शायद इसी के साथ ही हमारे हीरो को भी उसका फर्स्ट लुक मिला होगा, इसीलिए ही वो इसमें शौक होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ पर आगे जाकर वो ये चीज को भी डिस्कवर करेगा कि इसके इनर सेल्फ में कुछ ऐसे डिमोनिक जैसी पावर से यानी कि एक भूतिया टाइप की पावर से जो इसकी हंट कर रही है और ये कोई इसका स्लीप डिसऑर्डर का कारण नहीं है। और जो चीज हमारे लिफ्ट तक के सीन में फॉलो करता हुआ नजर आता है, जहाँ पर वो एक बूढ़ी औरत को ऐसे एक इजिप्शियन का ही कोई कैरेक्टर समझ लेता है और आगे जाकर उसको ये पता चलता है कि असल में एक बूढ़ी औरत थी।
तो ये वाली चीज ऐसे टेक प्लेस कर सकती है कि कॉमिक्स में जैसे हमें दिखाया गया था कि इजिप्शियन की मून गॉड होगी, तो शायद यही भी वो इजिप्शियन की मून गॉड ही हो सकती है। और आगे जाकर ऐसे बाल बाल मड़े हुए एक आदमी को देख सकते हैं जो कि सीधा सीधा कॉमिक बुक से उठाया गया है हमारे आर्थर हार्वे के कैरेक्टर को, जो कि आगे जाकर हमारे मैक्स स्पेक्टर का ही एक विलेन बनता है और शायद हो भी सकता है इस सीरीज में हमें इसे ही विलेन देखने को मिले, और जो कि आगे जाकर हमारे मार्क स्पेक्टर के ऐसे केओस वेओस को खोलने के लिए काफी ज्यादा मोटिवेट करता है, और इसी के बदौलत ही आगे जाकर हमारा मार्क स्पेक्टर मून नाइट में बदल जाता है। और जैसे कि हमारे हीरो का डुअल पर्सनैलिटी वाला कैरेक्टर हमारे छोटे मोटे ईस्टर एग में ट्रेलर के काफी एंड में दिखाए जा रहे हैं, तो उसी के साथ ही एक नया वाला भी सीन जोड़ा गया है जहां पर हमारे मिरर में उसके पर्सोना को देख सकते हैं जिसको वो मार्क के कर काफी ज्यादा लात मार रहा है। तो उसका गुस्सा वो इसलिए उतार रहा है क्योंकि इसके वजह से ही उसके लाइफ में काफी ज्यादा उथल पुथल आ रही है। ट्रेलर में ये सभी जितनी भी चीज उसे हॉन्ट कर रही है शायद वो जाकर आगे टेक प्लेस करेगी हमारे इजिप्ट के ही एक और पिरामिड में, जो कि आगे के सीन में दिखाई भी जा रहा है, और हमारा हीरो वहां पर ऐसे ऊपर देखता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं पर शायद हमारे इजिप्शियन गॉड यानी कि मून गॉड को वो पहली बार मिलेगा और वहीं जाकर इजिप्शियन गॉड उसे अपने मून नाइट वाली पावर दे देंगे। तो यही वाली चीज आगे जाकर हमें दिखाई जाती है जहां पर कुछ वैनम के टाइप के ही हमारा इजिप्शियन गॉड का पावर्स यानी कि हमारे मून नाइट के पावर्स हमारे हीरो पर हावी होती दिखाई दे रही है। और आगे के सीन में हम देख सकते हैं ऐसे एक फॉक्स टाइप के कैरेक्टर को जिसको हमारा हीरो मार रहा है, तो वो आनबू हो सकता है जो कि हमारे इजिप्शियन गॉड में ही एक टाइप का फॉक्स टाइप का ही कैरेक्टर है, जहां पर उसके पैरों और फेस को देखकर हम ये बता सकते हैं कि ये वाला कैरेक्टर उससे ही रिजेंबल कर रहा है। तो इसे वो क्यों मार रहा है और इसके पीछे उसके कारण क्या है ये हमें ट्रेलर में देख के तो नहीं पता चली है, लेकिन आखिरकार हमें सीरीज में जाकर पता चल जाएगी। और ऐसे भी छोटे मोटे बहुत से सीन है जिनको मैं कॉमन समझकर ऐसे इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन आपको अगर वो सभी चीजों के बारे में भी जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और ये छोटी सी एक क्विक अपडेट वाली वीडियो थी यानी कि क्विक ब्रेकडाउन वाली वीडियो थी जहां पर हमने छोटे मोटे अपडेट्स को जिसको आप मिस किए होंगे उन सबको बताया है, लेकिन एक प्रॉपर ब्रेकडाउन वाली वीडियो जहां पर ईस्टर एग के साथ साथ हम बहुत सारे कैरेक्टर रेफरेंसेस को लेकर आएंगे जिसकी वीडियो हम बाद में आपको बनाकर देंगे। तो ऐसे में आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही कंटेंट सबसे जल्दी चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में पड़ी उस बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।